हेलो लर्नर्स, आज हम बात करेंगे ई गवर्नेंस के बारे में। ई गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ये आता है आईटी एक्ट 2000 के अंडर। तो क्या होता है ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बाय द गवर्नमेंट टू डिलीवर एंड फैसिलिटेट गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, गवर्नमेंट टू सिटीजन ट्रांजेक्शन्स एंड स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ सिटीजन्स डेटा। सो जब गवर्नमेंट आईसीटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है, गवर्नमेंट सर्विसेज एफिशेंटली एंड इफेक्टिवली प्रोवाइड करती है, इंट्रैक्शन करती है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, तो दैट इज़ कॉल्ड ई गवर्नेंस। इन अदर वर्ड्स, ई गवर्नेंस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग टू ब्रिंग अबाउट स्मार्ट, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। सो ई गवर्नेंस होता है आईटी का, टू आईटी टूल्स का इस्तेमाल करके एक स्मार्ट गवर्नेंस को जनरेट करना, एक स्मार्ट सिस्टम को जनरेट करना। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ ई गवर्नेंस। सो एग्जाम्पल्स में आ जाता है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पोर्टल, आधार, ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग एंड पेमेंट, डिजिटल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक्सेट्रा। तो ये कुछ वेबसाइट है, कुछ पोर्टल्स है जो कि सर्विसेज, जो गवर्नमेंट जो सर्विसेज है इनके थ्रू प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन जो है वो अपने स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन इन ई गवर्नेंस। इंट्रैक्शन इन ई गवर्नेंस इंक्लूड द वेरियस वे इन विच डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंगेज विद गवर्नमेंट सर्विसेज एंड प्रोसेसेज थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो देर आर फोर काइंड्स ऑफ इंट्रैक्शन इन ई गवर्नेंस। दे आर गवर्नमेंट टू कस्टमर इंट्रैक्शन, गवर्नमेंट टू बिजनेस इंट्रैक्शन, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय इंट्रैक्शन एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंट्रैक्शन। सो चलिए एक एक पढ़ करके हम इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन्स इंट्रैक्शन। द सिटीजन्स हैव अ प्लेटफॉर्म थ्रू विच दे कैन इंट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट एंड गेट एक्सेस टू द वैरायटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट, तो सिटीजन्स के पास जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स अवेलेबल होती है, जो गवर्नमेंट पोर्टल होते हैं उनके थ्रू जो वो सर्विसेज, सिटीजन्स जो सर्विसेज अवेल करते हैं, तो दे कम्स अंडर द गवर्नमेंट टू सिटीजन इंट्रैक्शन। इसमें आ जाता है सिटीजन्स दे कैन फाइल देयर टैक्सेज ऑनलाइन, असेस देयर टैक्स रिकॉर्ड्स एंड रिसीव नोटिफिकेशन अबाउट देयर टैक्स स्टेटस। तो ये सब इंफॉर्मेशन वो आसानी से ऑनलाइन जो है वो एक्सेस कर पाते हैं। इसके अलावा अगर कोई बिल पेमेंट करनी है उन्होंने, जैसे कि वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, गवर्नमेंट का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके थ्रू वो ये सर्विसेज भी अवेल कर लेते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट बनाना, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज डिपोजिशन ऑफ रेवेन्यू फी, लाइसेंस रिन्यूअल फी, तो ये सब सर्विसेज जो होती है, जो जो सिटीजन्स होते हैं वो गवर्नमेंट पोर्टल के जरिए, जो जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स है उनके जरिए उनको ये सर्विसेज, सिटीजन्स को, स्टेक होल्डर्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है जो कि एक सिंगल विंडो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज के लिए है। एक सिंगल विंडो है जिसमें ये जो सब सर्विसेज है गवर्नमेंट अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू बिजनेस इंट्रैक्शन। द बिजनेसेस आर एबल टू इंट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट एफर्टलेसली, सीमलेसली विद रिस्पेक्ट टू द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफर्ड टू बिजनेस। अब जो बिजनेसेस है वो गवर्नमेंट के साथ इन पोर्टल के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू आसानी से इंट्रैक्ट कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज जो है वो अवेल कर सकते हैं। बिजनेसेस कैन अप्लाई फॉर, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाते हैं, बिजनेसेस इजीली, जो बिजनेसमैन इजीली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। देन अगर किसी को अपना लाइसेंस रिन्यू कराना है, परमिट लेना है, वो उसके लिए भी ऑनलाइन सुविधा जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से उनकी जो आप कह सकते हो कि एक तरह से जो इन पर्सन विजिट्स होती है, जो कि उनको खुद जाके गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाके उनको जो काम करवाना पड़ता है, उससे वो अब आराम से बच सकते हैं। आसानी से उनका काम ऑनलाइन अपने ऑफिस में बैठ के आराम से ऑनलाइन वो कर लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल में आता है बिजनेस पोर्टल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो है इंट्रैक्शन वो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंट्रैक्शन। इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज विद इन द गवर्नमेंट, इधर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट
एंड लोकल गवर्नमेंट और बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द सेम गवर्नमेंट. सो जो गवर्नमेंट की आपस में जो इंट्रैक्शन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट की लोकल गवर्नमेंट के साथ, या दो स्टेट गवर्नमेंट्स की आपस में जो इंट्रैक्शन है, जो वो सर्विसेज एक दूसरे के साथ, जो इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंट्रैक्शन. इट इंक्लूड्स डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैन शेयर डेटा टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस सच एज वेरीफाइंग सिटीजन इंफॉर्मेशन फॉर सोशल सर्विसेज स्कीम्स प्लान्स और लॉ इन्फोर्समेंट. तो इसकी एग्जाम्पल है ई गवर्नेंस स्टैंडर्ड पोर्टल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट जो इंट्रैक्शन है वो है गवर्नमेंट टू इम्प्लॉयज इंट्रैक्शन. सो द इंट्रैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स इम्प्लॉयज अकर्स इन एन एफिशियंट एंड स्पीडी मैनर. सो ई गवर्नेंस के जरिए, इन आई टी टूल्स के जरिए गवर्नमेंट एंड इम्प्लॉयज के बीच में एक एफिशियंट, एक जो इफेक्टिव इंट्रैक्शन जो होती है वो पॉसिबल होती है. सो इसमें आ जाता है गवर्नमेंट इम्प्लॉयज कैन एक्सेस देयर एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन. जो गवर्नमेंट के इम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट इम्प्लॉयज़ है, वो अपनी ऑनलाइन ही वो अब अपनी जो एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन है वो चेक कर सकते हैं. इसके अलावा दे कैन सबमिट देयर लीव रिक्वेस्ट, लीव एप्लीकेशन, दे कैन पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिस एक्सेट्रा. सो इसमें आ जाता है ई ट्रेनिंग फॉर इम्प्लॉयज़, और इसकी जो वेबसाइट है वो दी गई है. सो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई गवर्नेंस. सो पहला ऑब्जेक्टिव है टू सपोर्ट एंड सिंप्लीफाई गवर्नेंस फॉर गवर्नमेंट सिटीजन्स एंड बिजनेसेस. कि पहला ऑब्जेक्टिव है ई गवर्नेंस का कि जो गवर्नमेंट सिटीजन्स एंड बिजनेसेस के बीच में जो गवर्नेंस है, जो सिस्टम है, उसको आईटी टूल के जरिए, आईटी टेक्नोलॉजी के जरिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए उसको सपोर्टिव बनाना, उसको सिंप्लीफाई करना, कि जो प्रोसेस है सारा उसको सिंप्लीफाई करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है ई गवर्नेंस का. दूसरा है टू मेक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल वाइल एड्रेसिंग द सोसाइटीज नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस थ्रू एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज एंड इफेक्टिव इंट्रैक्शन बिटवीन द पीपल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट. इसका मतलब है कि जो सोसाइटी की नीड्स है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है, उसको एफिशिएंटली एड्रेस करना, टू वे इंटरेक्शन इस्टेब्लिश करना गवर्नमेंट एंड स्टेक होल्डर्स में, और इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट, एक अकाउंटेबल सिस्टम को क्रिएट करना. देन थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस करप्शन इन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में करप्शन को ख़त्म करना. जब सब सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी. ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो जो करप्शन है वो ख़त्म होगा. तो ऑब्जेक्टिव है ई गवर्नेंस का कि हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो करप्शन है वो ख़त्म करना है, कम करना है. देन फोर्थ इज टू इंश्योर स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन. सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उसको जल्द से जल्द स्पीडीली लोगों तक पहुँचाना. देन फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस डिफिकल्टीज फॉर बिजनेसिस. बिजनेसिस के लिए जो मुश्किलें हैं उनको ख़त्म करना. प्रोवाइड इमीडिएट इंफॉर्मेशन एंड इनेबल डिजिटल कम्युनिकेशन बाय ई बिजनेस. बिजनेसिस को इमीडिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना थ्रू डिजिटल कम्युनिकेशन. सो दीज आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई गवर्नेंस. सो इन नटशेल हम कह सकते हैं कि ई गवर्नेंस इज द बेस्ट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्लो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय इंक्रीजिंग द एफिकेसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज. तो ई गवर्नेंस जो है, जो आईटी टूल्स अवेलेबल है उनके जरिए जो सर्विसेज है गवर्नमेंट की, उनकी डिलीवरी की एफिशिएंसी को बढ़ावा मिला है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विस, ट्रांसपेरेंसी इन द वर्क, कॉस्ट इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सर्विस फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स. ई गवर्नेंस ने सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, ई गवर्नेंस जो है वो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाता है, उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है और उसको टाइम बाउंड डिलीवरी करता है. मतलब कि कम समय में आपको जो आपकी इंफॉर्मेशन है या जो आपका सर्विसेज है वो मिल जाती है. सो ई गवर्नेंस इज द की टू इम्प्रूवमेंट इन द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज विद अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स. इससे जो ऑफिसर्स की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी आप फिक्स कर सकते हैं, वो भी फिक्स होती है. और क्योंकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है तो सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट होती है. यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इज एट बेस्ट द की कंपोनेंट ऑफ ई गवर्नेंस. सो लर्नर्स, दिस इज ऑल अबाउट द ई गवर्नेंस. नेक्स्ट, ये कुछ आपके लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन. टिल द नेक्स्ट सेशन,
बाय एंड हैप्पी लर्निंग।